जा रहा है परिजमा इतु मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ फ्रॉम ड्यूजल ऑफ कश्मीर। एक्चुअली बात यह है क्योंकि ये हमें इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं, सिंपली सी बात है कि जो इसमें ऑफिसर्स फंस जाते हैं जिन्होंने पेपर डिपार्टमेंट से लाया या और किसी जैसे वो इनको शील्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हम बार बार यहाँ पर भी जमा हुए हैं। हम लोगों ने कम से कम 300 के आसपास प्रोटेस्ट किए हैं श्रीनगर में भी और इस जम्मू में भी हमने कम से कम 100 से ऊपर प्रोटेस्ट किए हैं। मायरोजा का सारा मीना हमने यहाँ पे ही दिया है, क्योंकि इन दिनों में नवरात्र के दिन भी चल रहे हैं। जो हमारे कश्मीर जम्मू के भाई हैं इन्होंने हमें फुली कॉपरेट किया और इसके बाद भी तब से आज तक हमारे जो रिपोर्ट है इसका कुछ हालचाल ही पता नहीं, वो रिपोर्ट गया कहाँ। हम कम से कम हमारी डेलीगेशन 3 बार 4 बार आके गोयल साहब के पास भी चली गई, इवन दो कि हमने 1-2 अपॉइंटमेंट एलजी साहब से भी ले लिया। इन्होंने वहाँ पर हमें यही कहा कि आप उनका काम हो रहा है 90% काम कंप्लीट की, लेकिन जब इन्होंने कहा कि 90% काम कंप्लीट की यह अनफॉर्चुनेट कहना पड़ता है कि तब से आज तक भी 6 महीने हुए, लेकिन जब इसमें 3 महीने को भी कॉन्स्टिट्यूट की तब से टिल डेट 12 महीने हुए अभी तक रिपोर्ट को पालोडा में नहीं लाया है। आपके चैनलों के माध्यम से हम एलजी साहब एज वेल एज 3 मेंबर कांश को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इन चोरों को शील्ड करना चाहते हो जिन्होंने पेपर अंदर से लिया, अगर आप इन चोरों को इन एसपी को शील्ड करना चाहते हैं जो खुद हमें कहते हैं कि एलजी साहब भी हमें बाहर नहीं निकाल सकते, जो खुद हमें कहते हैं कि हमारे सेक्रेटरी का सारा हाल चाल पता है, लेकिन हम भी इसी धरती के रहने वाले हैं, हम भी इसी यूटी के रहने वाले हैं, हमें जब 0% इन्फॉर्मेशन पता नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हाउ इट इज पॉसिबल कि हमें कोई भी यहाँ से नहीं भगा सकते, हमें कोई भी यहाँ से नौकरी से बाहर नहीं लगा सकता है। इसका मतलब सिंपली कि वो 3 मेंबर कमेटी या अंदर जो डिपार्टमेंट है इनसे मिला हुए थे तो तब वो कह सकते हैं। अब फाइनली सर मैं बिल्कुल हम यहाँ पे हटने वाले नहीं है, आज आप सर 200-300 करने को देखते हो, कल परसों इंशाल्लाह सारे के सारे कैंडिडेट यहाँ पे जमा हो जाएंगे, चाहे हम मरेंगे मिटे, लेकिन हमारे से इंसाफ होना चाहिए। हम यहाँ पे हटने वाले नहीं है, हम जैसे समझो सर कि जैसे पागल है ना, हम पावर की तरफ यहाँ पे है, खाली एक भाग अब हम पत्थर नहीं उठाते। अगर इन्होंने हमारे से इंसाफ नहीं किया और अगर इन्होंने हमारे रिपोर्ट को पहले डाल में नहीं लाया तो इससे बदतर होने वाला है यहाँ पे, पता नहीं कि क्या क्या एस्पिरेंट के साथ क्या क्या होने वाला है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब हमें कुछ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेहरबानी करके इस रिपोर्ट को पहले डाल में लाए।